अमेरिका के कैलिफोर्निया में नस्लीय हिंसा का चौंकाने वाला वीडियो। दक्षिण कैलिफोर्निया के कल्वर सिटी में सीसीटीवी में कैद हुआ एशियाई अमेरिकी महिला पर हमले का वीडियो। पुलिस ने बताया एशियन महिला ने दाहिने कान में चोटें आई हैं, जल्द ही रिकवरी की उम्मीद जताई जा रही है। अमेरिका में बढ़ रहे हैं एशियाई अमेरिकियों पर हिंसा के मामले। विवादों में रह चुकी सोफिया सपेजा के पिता ने बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर से बेटी के लिए दया की गुहार लगाई है। बेलारूस के पत्रकार प्रोतासेविक के साथ सोफिया को बेलारूस में जबरदस्ती रोकने के बाद विवाद बढ़ गया था। प्रस्ताविक सोफिया के साथ लंबे समय से रिलेशनशिप में है। हांगकांग में सुरक्षा कानून के तहत फिर से गिरफ्तारी की गई है। एप्पल डेली के संपादक समेत 5 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया। एप्पल डेली के दफ्तर में जांच में जुटी हुई है पुलिस। एप्पल डेली माना जाता है हांगकांग के लोकतंत्र का हिमायती अखबार। जापान की राजधानी टोक्यो में ओलंपिक के मद्देनजर कोरोना इमरजेंसी में बड़ी राहत। प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने टोक्यो समेत 8 जगहों पर इमरजेंसी में छूट देने का ऐलान किया है। कोरोना महामारी में उछाल के बाद राजधानी में 20 जून तक के लिए लगाई गई थी इमरजेंसी। दुनिया में कोरोना के मामले 17 करोड़ 78 लाख के पार पहुंचे हैं। अब तक 38,50,000 से ज्यादा लोगों की महामारी से जान गई है। 16 करोड़ 23 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। ब्रिटेन में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद भड़कम मच गया। 11 दिन में मरीजों के दोगुना होने की रफ्तार से घबराया है ब्रिटेन। स्वास्थ्य विभाग ने डेल्टा वेरियंट को बताया है संक्रमण में तेजी की वजह। बता दें कि अभी हाल ही में ब्रिटेन में हुआ था G7 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। दुनिया के नंबर 3 टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल का बड़ा ऐलान। विंबलडन और टोक्यो ओलंपिक से हटने का फैसला किया। बोले फ्रेंच ओपन और विंबलडन में 14 दिन का अंतर पर्याप्त नहीं है। क्ले कोर्ट पर खेलने के बाद शरीर के लिए इतनी जल्दी रिकवर कर पाना आसान नहीं होगा। यूरो कप में रूस ने फिनलैंड को दी है 1-0 से करारी शिकस्त। रूस की टीम के प्रशंसकों ने मनाया जश्न। रूस ने एलेक्सी मिरांचुक के खूबसूरत गोल की मदद से सेंट पीटर्सबर्ग स्टेडियम में फिनलैंड को 1-0 से मात दी। दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद इटली के खिलाड़ी मैनुअल ने भी बढ़ाई है कोका कोला की मुश्किलें। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लोकातेल्लो ने भी सामने रखी कोका कोला की दोनों ही बॉटल्स को हटा दिया। बोत्सवाना में मिला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा। बोत्सवाना के राष्ट्रपति ने कार्यक्रम में किया प्रदर्शित। 1098 कैरेट के इस हीरे में कई खूबियां हैं।